13 किलोमीटर रन करने के बाद मैं थका हुआ हूँ, बर्न मोर देन 950 कैलोरीज, बट मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं खुद थका हुआ हूँ लेकिन आप लोगों की चिंता है, मुझे भी फिट रहना है, साथ में आपको भी लेके चलना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडी फिटनेस अर्ट। आज मैं आपको इंटेंस होम वर्कआउट के बारे में बताऊंगा। मैं एक सेट आपको करके दिखाऊंगा अलोंग विद द वार्म अप। तो आइए साथ में मिलके ये एक्सरसाइज करते हैं। तो मैं थोड़े थोड़े एक्सरसाइज करूंगा और थोड़ा सा बोलूंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा टेम्पो हमें हाई रखना है। आज बोलेंगे कम और वर्कआउट करेंगे, कम ऑन। तो जो सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रेचिंग एंड देन वार्म अप। हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, माइंड बिल्कुल रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं आपके साथ। अब और थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स। थोड़ा सा लेग्स को भी रिलैक्स करना है। इसको करते हुए आगे आया हूं मैं, अभी भी पीछे जाएंगे, सेम एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से आपको फायदा ये होगा, ये कप मसल्स और जो ये हैमस्ट्रिंग है उसको पर जो लोडिंग है वो कम हो जाएगा और आपको इंजरी नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा ऑन द स्पॉट जॉगिंग, आज तो पसीना निकालने वाले हैं। कम ऑन, अब थोड़ा सा इसको हाई करेंगे। करेंगे हाई रेज हो गया। अब ये जो लेग्स है इसको यहां टच करना है। इसको बोलते हैं बट टच, किक योर एस इसको बोलते हैं। कम ऑन, ये हो गया। तो करेंगे जंपिंग जैक। ये हो गए जंपिंग जैक। थोड़ा सा एब्स का भी करेंगे। आइए कौन, तो ये थोड़ा सा एब्स का भी हो गया। अभी ये करीब करीब हमें 5 मिनट्स तक करना है। थोड़ा सा पुशअप्स मार लेंगे, बॉडी गर्म रखेंगे और जोश हाई। कम ऑन, थोड़ा कर लेंगे और थोड़ा सा
स्क्वाट्स मारेंगे। स्क्वाट्स अब थोड़ा सा लंजेस करेंगे। थोड़ा सा लंजेस करेंगे, थोड़ा सा ग्रोइन को हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे ऐसे। तो ये था दोस्तों ये वार्म अप एक्सरसाइजेस है। एटलीस्ट 4 to 5 minutes हम करेंगे कोई भी वर्कआउट करने से पहले। वार्म अप हो गए, स्ट्रेचिंग भी हो गए। इससे पहले मैंने वार्म अप और स्ट्रेचिंग के वीडियो बनाए हैं, काइंडली उसको रेफर जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा 20-25 seconds का रेस्ट ले लेते हैं, देन हम अपना असली वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। तो गाइस थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए और अपने जोश को थोड़ा सा हाई रखना है। कम ऑन, मजा आ रहा है। इसमें टाइमर सेट करेंगे 15-20 seconds का एक्सरसाइज करेंगे और 10 seconds का रेस्ट, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो दोस्तों पहला एक्सरसाइज पुशअप्स मैं टाइम सेट कर रहा हूं 20 seconds। कम ऑन, टाइम अप हो गए। अब 10 seconds की रेस्ट, देन वी गो फॉर नेक्स्ट स्टेप। अब करेंगे 20 seconds प्लैंक। प्लैंक के पोजीशंस थोड़ा सा मैं अपने इस पोजीशन को भी सही कर लूं, ठीक है। अब करेंगे प्लैंक, तो पोजीशन ऐसे और बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट। टाइम सेट कर रहा हूं अगेन 20 seconds। अगेन 10 seconds ब्रेक लेके हम दोबारा थर्ड स्टेप करेंगे। अभी बहुत है मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने आज रनिंग ख़त्म किया। 13 किलोमीटर रन करने के बाद मैं थका हुआ हूँ, बर्न मोर देन 950 calories, बट मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं खुद थका हुआ हूँ लेकिन आप लोगों की चिंता है, मुझे भी फिट रहना है, साथ में आपको भी लेके चलना है। तो आइए
जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका शोल्डर प्लैंक। इसके बाद वाले जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे शोल्डर टैप। तो आइए दोस्तों समय वेस्ट नहीं करते हुए नेक्स्ट एक्सरसाइज। शोल्डर टैप आपको क्रॉस करना है, इसमें भी मैंने शोल्डर प्लैंक की वीडियो बनाए हैं, उसको काइंडली एक बार रेफर कीजिएगा। मजा आ रहा है दोस्तों, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ओके 20 सेकेंड्स अब, वेट फॉर द 10 सेकेंड्स। अब करेंगे पुशअप्स, देन क्रॉल करते हुए ऊपर, फिर क्रॉल करते हुए नीचे, फिर पुशअप। हाय दोस्तों चलिए कम ऑन, 1 2 दोस्तों मजा आ रहा है, पसीना भी निकल रहा है, थोड़ा सा पानी पीऊंगा, आप भी पानी पी लीजिए। अभी नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं हम लोग। जो अगला स्टेप है उसमें प्लैंक की पोजीशन, उसके बाद फिर स्क्वाट्स। यस सर, के लिए ऐसा के लिए शोल्डर प्लैंक पोजिशन, फिर शोल्डर प्लैंक, फिर ऐसे हम आप शुरू में हम लोग 20 सेकेंड्स के करेंगे, फिर उसको धीरे धीरे 30 सेकेंड्स, और जो गैप है 10 सेकेंड्स का बिटवीन ईच स्टेप उसको 20 सेकेंड्स करेंगे। तो दोस्तों मजा आ रहा है, तो साथ साथ इस वीडियो के बाद लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना। तो आइए दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है उसको देख लेते हैं, टाइम सेट कर देते हैं। ऐसे भैया था दोस्तों, फिर नेक्स्ट स्टेप जाएंगे हम पुशअप के साथ, क्रॉस लेग करेंगे इस हाथ से इस पैर को, इस हाथ से इस पैर को। कम ऑन दोस्तों, हटना नहीं है, करके जाना है। आइए चलो, टाइमर लगा दिया। पुशअप्स, वन पुशअप्स, दोस्तों मजा आ गया।
मेरे को घुसना निकल गया, इस सेट को पूरा कंप्लीट हो गया पहला सेट। और इसमें हमें जो रेस्ट लेना है डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्टेबल लेवल, कोई 5 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं और इसको कुछ और इंटेंस करने के लिए 3 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। लेकिन शुरुआत में 5 मिनट्स का ब्रेक लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद ये सारे जो 3 सेट हो जाएंगे आपके, फिर लास्ट में बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो हम इसको बोलते हैं कूल डाउन। पहला होता है वार्म अप, उसके बाद कूल डाउन, मसल्स को रिलैक्स करना है ऐसे। तो दोस्तों ये था आज का कंटेंट, अगर आपको अच्छा लगा होगा, मेरे ख्याल से अच्छा लगा ही होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए। और ये लिखना मत भूलिएगा कि किस वर्कआउट पे मुझे अगला वीडियो बनाना है। तो टिल देन दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू।